सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें इस बेल आइकन पे और पाएं लेटेस्ट अपडेटेड न्यूज़ वो भी हिंदी में। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्केटिंग चैनल साहिल स्केटिंग कॉलेज में। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी आधारित है इस ब्रेक पर। कई लोग इसको ब्रेक मानकर स्केटिंग करते हैं, तो आज का जो ये डाउट है कि क्या ये ब्रेक है या क्या इसकी नीड होती है स्केटिंग चलाते वक्त, वही सब हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन नंबर 74 में। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं इस लेसन को। दोस्तों, आप लोगों का सवाल ये है कि साहिल स्केटिंग कॉलेज इस ब्रेक को क्यों निकालती है, क्या इसकी ज़रूरत होती है स्केटिंग जब बच्चे सीखते हैं तो उस वक्त इसकी ज़रूरत होती है और किन बच्चों को इसकी ज़रूरत होती है। मैं आपको बता दूं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं हम उनके फर्स्ट दिन पहले दिन इस ब्रेक को निकाल देते हैं। उसका रीज़न ये है कि नॉर्मल लैंग्वेज में जैसे जो भी जिसको नॉलेज नहीं है वो इसको ब्रेक मानता है कि चलाएंगे हम इसको, पैर उठाएंगे, इस टाइप से ब्रेक उठाएंगे और ये टच हो जाएगा, हमारा स्केट रुक जाएगा। बट कोई भी प्रोफेशनल एकेडमी इसको ब्रेक के तौर पे यूज़ में नहीं लेती है। जस्ट ओनली उन बच्चों के लिए काम आता है जो घर पे सीख रहे हैं बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी ट्रेनर के सीखते हैं, तो वो इसको ब्रेक समझ के यूज़ में लेते हैं। जबकि इसके और ज़्यादा नुकसान है, जब आप थोड़ी हाई स्पीड में इसको जब लगाते हैं ब्रेक तो और आप ज़्यादा आगे गिरते हैं, तो ये एक वीक पॉइंट है। और दूसरी चीज़ ये कि साहिल स्केटिंग कॉलेज ब्रेक की बजाय, आप देखें नॉर्मली, चलो मान भी लिया, मान लीजिए आप ये ब्रेक है, लेकिन हम साहिल स्केटिंग कॉलेज या कोई भी प्रोफेशनल स्केटिंग एकेडमी स्टेप सिखाना पसंद करती है। जैसे आपको रोकना है तो कहीं तरह के ब्रेक आते हैं, जो स्क्रीन पे आप और देख लेंगे, मैं ऐड कर दूंगा, तीन या चार तरह के ब्रेक आते हैं जिसमें पावर ब्रेक हो गया, बैक पावर ब्रेक हो गया, नॉर्मल ब्रेक हो गया, टी ब्रेक हो गया, पावर स्लाइड हो गया, तो ये ब्रेक यूज़ में आते हैं, तो आप उनको यूज़ में लीजिए। इसको जब आप हाई स्पीड में यूज़ में लेंगे डेफिनेटली आपके साथ बड़ा हादसा होने का रहता है। और एक और वीक पॉइंट ये रहता है, जब ये लगा हुआ होता है तो कई लोग, कई बच्चे या जो भी जिस भी एज ग्रुप के जब इसको लगा के सीखते हैं तो उनका जो लुक आता है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि वो इसको लगे हुए से प्रेशर लेते हैं, इस व्हील्स को कम यूज़ में लेते हैं, इसको टच करके धक्का देते हैं, क्योंकि वो रनिंग नहीं होती उनके, बस ऐसे वॉकिंग टाइप वो यूज़ में ले लेते हैं, तो उनका लुक बिल्कुल बिगड़ जाता है। तो जितने भी स्केटर हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप बेसिक स्केट्स चला रहे हैं उसमें इस तरह का ब्रेक आया है या आगे और भी अलग अलग तरीके के नट वाला ब्रेक आता है तो आप उसको निकाल दीजिए और फिर आप स्केटिंग कीजिए। रोकने के लिए हमने लेसन डाल रखे हैं ब्रेक के, तीन चार लेसन डाले हुए हैं और मैं आगे और अच्छे अच्छे लेसन और डालने वाला हूँ, तो वो आपकी हेल्प करेंगे और आप अच्छे स्केटर बन जाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि आप इसको ज़रूर निकाल दीजिए, ये कोई यूज़ में आने वाला नहीं, आपका लुक बिगाड़ेगा और आपके साथ हादसा ज़्यादा होने का खतरा रहता है, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह की और भी वीडियोज़ देखनी हो तो हमारे चैनल पर जाइए, और बहुत सारी वीडियोज़ है। मैं ये जानता हूँ कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप लोगों ने हमारा सब्सक्राइब नहीं किया, ये मुझे पता है, तो नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी 79 के सब्सक्राइबर हो गए हैं, जल्दी से 1 लाख तक सब्सक्राइबर तक पहुँचा दीजिए। आपसे रिक्वेस्ट है साहिल स्केटिंग कॉलेज का नंबर वन चैनल बना दीजिए इंडिया का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और किसी भी तरह के प्रोफेशनल स्केट चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा है, इस पे इवनिंग में 7 to 9 के बीच में कॉल छोड़ सकते हैं, कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बस यही एक लोगो दिख रहा है स्क्रीन पे, इस लोगो को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये एक वीडियो है, इसको भी ज़रूर देख लीजिए, बहुत यूज़फुल वीडियो है। मैं हूँ इंटरनेशनल स्केटर स्केटिंग कोच इमरान खान, किंग ऑफ स्केट्स, साहिल स्केटिंग कॉलेज से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।